Good morning, friends. My next question for coordinate geometry, section formula. Very most time question for exam point of view. Question of course, coordinates of the midpoint of triangle ABC are given 3, 5, 2, 4, and 2, 8 respectively of the side AB, BC and CA. Find the coordinates of the vertices of triangle ABC. That means आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, आपको एक ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी और इस ट्रेंगल के मिड पॉइंट के वर्टाइसेस आपको गिवन है 2, 4, 2, 8 एंड 3, 5 और आपको ये फाइंड करना है कि ट्रेंगल ए बी सी में ए बी और सी के वर्टाइसेस क्या होंगे, क्योंकि यहां पर अपने को दिया हुआ डी ई और एफ जो है मिड पॉइंट से, इसका मतलब अपन यहां यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो अपन देखते हैं फॉर लाइन ए बी, एफ इज अ मिड पॉइंट of the line AB, that means ये अपना हो जाएगा x1 plus x2 upon 2 equal to 3 and y1 plus y2 upon 2 equal to 5. तो यहाँ अपन लिखते हैं for AB. For line segment AB, F is midpoint, so by midpoint formula अपन देख सकते हैं यहाँ पर 3 equal to क्या आएगा x1 plus x2 by 2 equal to 3, that means x1 plus x2 equal to क्या आ जाएगा 6 और similarly 5 equal to y1 plus y2 upon 2 equal to क्या आएगा 5, that means y1 plus y2 equal to कितना आ गया 10. For line segment AC, E is the midpoint of the line segment AC, that means अपन यहां यूज करेंगे वही सेम फॉर्मूला x1 plus x3 by 2 equal to 2 and y1 plus y3 by 2 equal to 8. तो आप यहां देख सकते हैं अपन यूज किया है इसको x1 plus x3 by 2 equal to. For line segment BC, D is midpoint. तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे BC का midpoint कौन है? D is mid. यहाँ पे भी same चीज अपन use करेंगे. X2 plus X3 by 2 equal to आएगा 2 and Y2 plus Y3 by 2 equal to क्या आएगा 4. तो अपन यहाँ use कर सकते हैं. X2 plus X3 by 2 equal to 2 and तो अपने पास X बनेगा X2 plus X3 equal to 4 and Y2 plus Y3 by 2 equal to 4 and that means Y2 plus Y3 equal to 8. तो अपन यहाँ पे सबको naming किया हुआ equation number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, सारी इक्वेशंस को अपन पहले क्या करते हैं ऐड करते हैं. तो मैंने क्या करा, सारी एक्स वाली टर्म को एक्स साइड ऐड किया और सारी वाई वाली टर्म को एक्स साइड ऐड किया. देखिए तो जैसे अपन ऐड करा इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 1, 3 एंड 4, तो 1, 3 एंड 4 में दैट मींस आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3 है अपने पास एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 5 है एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू 4. दैट मींस सबको जब प्लस करेंगे, देखिए आप तीनों इक्वेशन में इक्वेशन के अंदर x1 टू टाइम है, दो बार x2 है और दो बार x3 है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू आएगा 14. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मैंने इसमें 2 कॉमन निकाल चुका हूं, तो यहां पर अपने पास बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 7. इसी प्रकार अपन क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 को ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस बनेगा सारी वाई वाली टर्म को ऐड किया तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 34. दैट मींस y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो गया 34. तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो गया 17. अब अपन ने क्या करा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 8 और इससे पहले इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 7. अब अपन ने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फ्रॉम द 7th इक्वेशन. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 7th, दैट मींस इक्वेशन 7 अपने पास है x1 plus x2 plus x3 equal to 7 और equation first अपने पास x1 plus x2 equal to 6. तो अपन ने इसको subtract किया है, देखिए x1 plus x2 plus x3 minus of x1 plus x2 equal to 7 minus 6, that means x1 plus x2 दोनों cancel हो जाएंगे तो x3 क्या बचेगा 1. अब इस x3 की value मैंने equation number 1 अगर मैं put करता हूँ equation number 3 में, तो यहाँ पे मुझे देखिए x3 मिलेगा, 4 minus 1 कितना मिलेगा 3. ठीक है, तो x2 plus x3 equal to 4 है, तो अपने पास क्या मिल गया x2 3 मिल गया. इसी प्रकार अपने पास x1 plus x2 कितना है 6 है, तो x1 मिल जाएगा 3, मतलब सेम दोनों में सेम नंबर मिलेंगे. सिमिलरली अपने क्या करा, इक्वेशन नंबर सेकंड को सबट्रैक्ट किया किसमें से, इक्वेशन नंबर 8 में से. तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 8 जो है वो ये है y1 plus y2 plus y3 equal to 17 और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो है y1 plus y2 equal to 10. जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा
y1 plus y2 plus y3 minus of y1 plus y2 equal to 17 minus 10. That means y3 equal to again 7. Similarly, y1 plus y3 equal to 16 दिया है. तो y1 से रखने पर y1 मिलेगा 9 और y2 मिलेगा इसमें रखने पर y2 plus y3 equal to 8 में y2 मिलेगा 1. इस प्रकार अपने पास coordinates of a triangle ABC are मिल चुके हैं अपने को. Now coordinate of triangle ABC are 3, 9, 3, 1 and 1, 7 respectively. Thank you friends.